हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टक टेक्निकल एनालिसिस में। मैं आज ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करूंगा जो अभी जो गिरावट देखी जा रही है उनको कौन से प्राइस पे बाई करें तो आने वाले 10 से 5 दिनों में 5% से लेकर के 10% का प्रॉफिट होने वाला है और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हम देखेंगे इन स्टॉकों पर। तो उससे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो 5 स्टॉक में से सबसे पहले हम PSU बैंक में बैंक ऑफ इंडिया के एनालिसिस करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है उसको सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन कर लेते हैं और वीकली लेवल क्या निकल के आया है, वीकली लेवल कौन से प्राइस पे हम इसको बाई कर सकते हैं, जो अभी इस हफ्ते में गिरावट देखी जा रही है कौन से प्राइस पे बाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ से कंटिन्यू फॉल कर रहा है और यहाँ पे जो आज प्राइस थोड़ा सा ग्रीन में देखा जा रहा है, ये एक्चुअली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। अभी यहाँ से भी नीचे जाने के चांसेज है। अगर फ्राइडे के क्लोजिंग से अगर देखा जाए तो वीकली सेल लेवल, वीकली टारगेट जो था, इस हफ्ते का जो डाउन साइड का टारगेट था वो क्या टारगेट है, उस टारगेट पे हम कोशिश करेंगे इसको बाई करने के लिए, क्योंकि इसमें एक शॉर्ट कमिंग रैली आने वाले 1 से 2 दिनों में आने के चांसेज है। और आज वैसे भी PSU बैंकों में पॉजिटिव न्यूज होने के कारण थोड़ा सा फ्लैट और प्लस पॉजिटिव खुला है। ये हो सकता है फिर से हम निचले लेवल पे दोबारा जाएं और फाइनल बॉटम आने वाले 1 से 2 दिनों में बनने के चांसेज हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, अगर फ्राइडे की क्लोजिंग को हम पुट करते हैं सॉफ्टवेयर में 81 रुपीज़ 70 पैसे के बेसिस पे जो वीकली लेवल था, वीकली 72 और 76 के बीच में एक बॉटम बनने के चांसेस है। तो अभी जो प्राइस कल का जो लो था वहाँ से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं 77 का, यहाँ से अभी 72 से लेकर 74 रुपये तक एक फाइनल बॉटम बन सकता है। तो 72 रुपये के आसपास आए तो इस स्टॉक को अगर बाई किया जाए तो 85 रुपीज़ के टारगेट के लिए इसको बाई किया जा सकता है। तो इसमें इस हफ्ते में पैनिक बॉटम बन सकता है या 72-75 के बीच में जहाँ भी मिले आज या कल या परसों तक इस हफ्ते में, तो हम इसको बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन पर्पस से इसको बाई कर सकते हैं। और फाइनल बॉटम अभी एज फॉर अभी नहीं दिख रहा है कि ये फाइनल बॉटम है। हाँ, यहाँ से अगर 85-83 रुपीज़ से गिरावट देखी जाए और 72 का बॉटम बने तो 72 पे एक फाइनल बॉटम बन सकता है। तो फाइनल बॉटम अभी नहीं बना है, लेकिन बाउंस के लिए अगर प्ले करना है किसी को भी, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी प्ले करना है, उसके लिए ये भाव 72 का बहुत ही अच्छा है। अभी हम बीच में खड़े हैं तो इस लेवल पे अवॉइड करना है। सेकेंड स्टॉक इंडिया सीमेंट पे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ व्यू शेयर किया था कि इस स्टॉक को अगर 100 रुपये के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही है और 100 रुपये के आसपास 105 रुपये के आसपास मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था 8 से 10% की तेज़ी के लिए। तो अभी हमने देखा है 2 दिन पहले ही 116 का हाई बनाया है। अभी ये स्टॉक में आज शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये बॉटम बना चुका है। इस प्राइस पे 100 रुपये के आसपास अगर ये मिलता है दोबारा से, या आज की क्लोजिंग देख लेते हैं तो आज की क्लोजिंग 102-103 के ऊपर होता है तो भी हम बाई कर सकते हैं, और 95 और 97 के बीच में मिले तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज इसने लो भी 98 का बनाया है, एक तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। किसी कारण बस दोबारा इस लेवल को टच करता है 1-2 रुपये नीचे तो और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहाँ से 2-3 रुपये का डाउनसाइड देख रहे हैं, लेकिन इसमें से अच्छा खासा बाउंस बैक आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में तेज़ी इसमें आएगी। तो सेकेंड स्टॉक इंडिया सीमेंट। थर्ड स्टॉक जो है GIPCL। GIPCL मैंने 95-96 पे भी व्यू शेयर किया था कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बाई किया जा सकता है, और GIPCL में एज फॉर माय एनालिसिस इसमें बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो लो बनाया था इसके नीचे जाएगा। फिर भी
अभी से यहाँ से अगर बाई करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से स्टॉक बहुत अच्छा है और शॉर्ट टर्म में 2 से 4% का रिटर्न मिलने के चांसेज है। और इसका जो लेवल था 86 रुपीज़ का, अगर इसके आसपास 81 रुपीज़ का भी बॉटम बने तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई है। तो 10% का डाउन साइड और यहाँ से लगभग डबल होने के चांसेज है अगले 1 से 2 सालों में। तो 10% का डाउन साइड अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बाई कर रहे हैं तो स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर भी अपनी स्टडी और एनालिसिस के बेस पर ट्रेड करें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं स्टॉक एनालिसिस करता हूं ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा एक स्टैंडर्ड सा डिस्क्लेमर हर वीडियो में लगभग मैं देता हूं आप लोगों को, उसी डिस्क्लेमर के साथ इन सारे स्टॉकों पर मेरा पॉजिटिव और निगेटिव व्यू है। ये हो गया हमारा बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सीमेंट और GIPCL थर्ड स्टॉक हो गया। फोर्थ स्टॉक जो है GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी। इस कंपनी में जो मुझे दिख रहा है एक फाइनल बॉटम अभी नहीं बना है। इस ये जो पुराना रिसेंट बॉटम था 100 रुपीज़ का, उसके नीचे भी एक बॉटम बन सकता है 95-97 रुपीज़ के आसपास। लेकिन इस भाव पे भी ये स्टॉक ख़राब नहीं है, लेकिन अगर ये बॉटम बनता है 100 के नीचे एक बॉटम बनेगा और वहाँ से एक बाउंस देखा जाएगा अगले 10 दिनों में 10% का रिटर्न मुझे जो दिख रहा है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो GSFC पे भी मेरा पॉजिटिव व्यू है। अभी गिरावट हो रहा है, इसको गिरने दीजिए। जितने भी स्टॉक का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ थोड़ा सा आज तेज़ी दिख रहा है, लेकिन अभी फाइनल बॉटम नहीं बना है। अभी बाज़ार में आज जो निफ्टी में तेज़ी देखी जा रही है ये तेज़ी सस्टेन नहीं करने वाला है, दोबारा से इसमें शॉर्ट बिल्डअप होगा निफ्टी में। उसी तरीके से ये स्टॉकों में थोड़ी सी ज़्यादा ओवरसोल्ड होने के कारण थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है आज इंट्राडे में, लेकिन ये फिर से फिजल आउट हो जाएगा। इसलिए इस स्टॉक को 100 के नीचे एक बॉटम बने तो वहाँ से अगर बाई करते हैं तो शॉर्ट टर्म में 10-15% का रिटर्न मिलने के चांसेज हैं GSFC। फिफ्थ स्टॉक है RCF। RCF भी एक बहुत ही फर्टिलाइजर कंपनी, अच्छी कंपनी है। और इस स्टॉक में अगर किसी भी कारणवश 64-65 रुपीज़ का बॉटम बनता है तो ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से फाइनल बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन है। ये जो लो बनाया था 66 रुपीज़ का, उस लो को भी तोड़ सकता है अभी के गिरावट में, और 62-63 रुपीज़ के आसपास 64 रुपीज़ के आसपास इसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। अभी ये गिर रहा है, एक दिन की गिरावट और बाकी है, कल तक एक फाइनल बॉटम बनेगा वहाँ पे हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये हमने एक 5 स्टॉक का लिस्ट बनाया है। इस 5 स्टॉक में से ये 2 स्टॉक हमने जो इंडिया सीमेंट और GIPCL इन 2 स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखा जा सकता है और शॉर्ट टर्म के पर्पज से, और बैंक ऑफ इंडिया RCF और GSFC, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म के पर्पज से और मिड टर्म के पर्पज से भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो ये रहा हमारा आज का स्टॉक पे एनालिसिस। जो अभी इस गिरावट में अगर हम बाई करते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी तो हमें आने वाले 10-15 दिनों में अच्छा खासा 5-10% का रिटर्न मिलने के चांसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।